हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करने आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी ने सबको एक साथ चलने की नसीहत दी है जिस पर अमल किया जाएगा। प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह से। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी। मैम, देखिए, कोई मुद्दे तो खास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसके ऊपर चर्चा करनी थी। सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनसे गाइडलाइन लें, उनको मिलकर उनसे हर बातों से उनको अवगत कराएं और जो वो निर्देश देगी उसके मुताबिक हमने पार्टी को आगे बढ़ाना है और पार्टी के वर्कर्स को फील्ड में भेजना है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस काम में जुटे, क्योंकि बहुत कम समय रह गया इलेक्शन के लिए। तो उसके लिए मैं इनसे चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए यहाँ आई। चिंतन शिविर की अगर हम बात करें तो देखिए, चिंतन शिविर में कहा गया था कि जैसे शिविर ख़त्म होगा तो पार्टी में बड़े बदलाव देखे जाएंगे और बड़े बदलाव के लिए लगातार बैठकों का दौर भी चालू है, लेकिन क्या अब चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो जैसा अभी आपने कहा कि उसके ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, जितने भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज हैं, शीर्ष नेता हैं, वो बैठकर इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या इसका निष्कर्ष निकलता है फिर वो हमको उसकी जानकारी देंगे और उसी के मुताबिक हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में रैलियाँ कर रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो क्या ऐसे में लगता है कि एक टफ कॉम्पिटिटर जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे पाएगी कॉम्पिटिशन? देखिए, आप लोग तो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में ये मीडिया का काम चलता है, पर क्या धरातल में है उससे आपको जानकारी नहीं है। हम लोग जमीन से जुड़े हैं, हमको पता है कि धरातल में क्या है। ये बात ठीक है कि पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल जी ने अपना रुख हिमाचल प्रदेश की तरफ किया है। उन्होंने ये दर्शाया कि मैं कहूँगा वहाँ जाकर हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी रैली करूँगा, लाखों लोग उसमें होंगे, पर हमको भी जानकारी है कि इतने कोई लाखों लोग उसमें नहीं थे। जो चंद से लोग थे वो भी केवल मात्र ये सुनने को और देखने को गए थे कि क्या कहते हैं वो लोग, पर ऐसा कोई बड़ा दल हमारी पार्टी को छोड़ के नहीं गया है, ना ही बीजेपी से कई वर्कर्स आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, ऐसा कुछ नहीं है। और जब से सोनिया गांधी जी ने ये फैसला लिया है कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी क्षेत्र से कोई ऐसी आवाज़ आई हो जिस की तरफ मुझे ध्यान देना है। और आप ज़्यादा डेंट हिमाचल प्रदेश में नहीं कर पाएगी, क्यों इसका भी मैं आपको मुख्य कारण बताती हूँ कि दो पार्टीज मुख्यतः चुनाव में रही हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। बीजेपी को भी लोग बार बार मौका देते रहे, उनकी भी सरकारें बनती रही, और जब पिछली बार चुनाव था तो मोदी जी ने आश्वासन दिया था, कहा था कि मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में पूरे भारतवर्ष में रोजगार मिलेगा, पर आज 7 साल पूरे हो गए, हमको तो नहीं लगता कि कोई 14 करोड़ बच्चों को रोजगार मिला होगा। और उसी तरह से उन्होंने महंगाई कम करने की भी बात कही थी। वो महंगाई आपको याद होगा कि उस वक्त जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी थी, वो भी आई थी हिमाचल प्रदेश, उन्होंने ये कहा था कि जब आप वोटर्स को अपील की कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो सबसे पहले इस सिलेंडर को मत्था टेक के धूप बत्ती जलाकर फिर आपने वोट, उस टाइम क्या कीमत थी एक गैस सिलेंडर की? 450 रुपये। और आज आप देखो क्या भाव हो गया एक गैस सिलेंडर का, कहाँ तो घटाने की बात, कहाँ वो दर दिन प्रतिदिन उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है। आज बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ है, राशन है, सरसों का तेल है, चाहे आपका सीमेंट सरिया है, हर चीज़ के दाम बढ़े, और 1 गुना 2 गुना नहीं, हजारों गुना उसमें वृद्धि हुई है। तो हम चाहते हैं कि लोग इस बात से भी दुखी है, पीड़ित है, तो लोग इन बातों को भी ध्यान रखेंगे वोट डालते हुए। और दूसरी बात जो ये है कि लोगों को ये पता है कि अगली सरकार जो हिमाचल प्रदेश में वो कांग्रेस की बनने जाइए, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, विकास किया है, और उन्हीं बातों को लेकर लोग वोट डालेंगे और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पूरा पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद हस्ताक्षर करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।